News 18, India. लगातार सिंघू बॉर्डर पे तैयारियां की जा रही हैं पुलिस और प्रशासन की तरफ से कि कैसे अगर किसान और उनके ट्रैक्टर यहां एकत्रित होते हैं तो उनसे निपटा जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये बोर्ड बड़ा लगा था दिल्ली में आने के लिए। आपका पुनः आगमन प्रार्थनीय है, हरियाणा में आपका स्वागत है, दूसरी तरफ बोर्ड पे लिखा हुआ है। लेकिन ये इस बोर्ड को नीचे उतार दिया गया है, दो क्रेन के जरिए इस बोर्ड को उतारा गया। दरअसल अगर किसान यहाँ एकजुट होते हैं, देखिए 500 मीटर का लंबा दायरा है और यहाँ हर तरफ बैरिकेडिंग की गई है। अगर यहाँ किसान पहुँचते हैं तो हजारों की संख्या में वो पहुँचेंगे, सैकड़ों की संख्या में उनके साथ ट्रैक्टर होंगे, ट्रक होंगे। तो उससे निपटने के लिए इस बोर्ड को इसलिए उतारा गया है ताकि यहाँ से इधर दूसरी तरफ, देखिए दूसरी तरफ जो RAF रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान है, अगर वहाँ से टीयर गैस या बाकी चीज़ें किसानों पर को रोकने के लिए छोड़ा जाता है तो वो सीधे तौर पे देखे जा सके। टीयर गैस जो छोड़ा जाए उसके ज़्यादा इसी बोर्ड से रुक न जाए, इसलिए इसे हटाया गया है। और दूसरी तरफ हरियाणा में आपका स्वागत है, दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर पिछले बार के आंदोलन में मुख्य केंद्र था किसानों के आंदोलन का, जो महीनों तक चला था। और देखिए इस बोर्ड को NH 44 पे है सिंघू बॉर्डर हरियाणा और दिल्ली के बीच में, और अगर पंजाब हरियाणा की सीमा से हजारों की संख्या में किसान आगे बढ़ते हैं तो बीच में कोई ऐसा अवरोधक नहीं है कि उन्हें रोका जा सके। इसीलिए यहाँ ये तैयारी की गई है। लगातार न्यूज 18 इंडिया पे हम आपको ये कंक्रीट के बैरिकेड दिखा रहे हैं एक के बाद एक, और इस तरह के बैरिकेड चाहे कंटेनर के, नॉर्मल जो बैरिकेड होते हैं दिल्ली पुलिस के, इसके अलावा कटीले तार कीले, तमाम व्यवस्था की गई है। कंटेनर के अंदर मिट्टी और ईंट पत्थर भरे गए हैं ताकि उन्हें मजबूती प्रदान किया जा सके। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है और लगातार ये कोशिश है दिल्ली पुलिस प्रशासन की कि अगर किसान यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें दिल्ली की सीमा में प्रवेश न होने दिया जाए। कैमरा पर्सन अजय के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।